चलिए ध्यान दीजिए, आज 11th के मैथमेटिक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला आपको जो टॉपिक्स है वो पॉइंट के बारे में पढ़ने का है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर सर्किल होगा, फिर पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। बहुत एक लंबा आपको ड्यूरेशन चलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री चला था उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका एक बड़ा सेक्शन माना जाता है। तो हर एक चीजों को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके 10th क्लास में भी पढ़ने का था, ऐसा नहीं कि नहीं था। वहां पर हम लोग बेसिक बात को सिर्फ पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला हो गया कि अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और वो भी हम लोग सिर्फ कार्टिजन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़े थे, कार्तीय निर्देशांक के बारे में, हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट की कोई बात नहीं जानते। तो हम यहां पर जब पढ़ेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बात समझ रहे ना। तो वहां पर सिर्फ ओनली डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे या एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला पढ़े होंगे। जब ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो उसका एरिया किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, सेक्शन फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। इससे ज्यादा कुछ आप लोग नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही दिया हुआ है आपको। 11th के सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो दिया है आपके बुक में, वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से पढ़ने के लिए दिया है, सरल रेखा से, क्योंकि ये वो मान के चल रहा है कि पॉइंट पढ़ा हुआ होगा बच्चा 10th क्लास में, उसको हम फिर से क्यों दें। आपको अगर स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए भी नहीं समझ में आएगी क्योंकि बहुत सारे चीज आप लोग पढ़े हैं तो भूल गए हैं, और उतना पूरा विस्तृत तरीका से पॉइंट के बारे में भी आप लोग पढ़ नहीं पाए, है ना। तो एक एक चीजों को ध्यान से देखते जाइएगा। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका अच्छा रहेगा तो आगे चल के 12th में जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसी को बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व, तो वो चैप्टर्स आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलिए, है ना, चैप्टर्स आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हेडिंग लगाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शांतिपूर्वक आसानी, है ना, पढ़िए हर एक चीजों ज्योमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं नियामक, है ना, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और हम आपको बेसिक से हर एक चीजों को बताने का प्रयास करेंगे, इसीलिए है ना हर एक चीजों को अच्छे तरीका से आप समझते जाइए। सबसे पहले ये समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं किसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, है ना, नियामक ज्यामिति किसको कहते हैं। ऑब्वियसली ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होगा, है ना, ये किसका ब्रांच होगा, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग, है ना, फिगर का जो अध्ययन करते हैं वो नंबर और अलजेब्रिक, नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मदद से करते हैं, नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मदद से करते हैं, बात समझ लेना। चलिए देखिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, लिखिए द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी स्टडी अबाउट फिगर, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फिगर इज कॉल्ड ज्योमेट्री, इज कॉल्ड क्या, ज्योमेट्री। एंड इफ वी स्टडी अबाउट दिस फिगर, About this figure,
विथ द हेल्प ऑफ क्या हुआ जी, आवे क्या पीछे हम सब ऐसे नहीं सुनेगा, कहे ना सब ऐसे सुनबे ना करता है। क्या कर रहा तुम लोग सब पीछे बात कर रहा था मौत बात कर रहा था, हम क्या बात कर रहा तुमने कुछ बढ़िया पहले शांति से पढ़ लेना जाता। अभी टेस्ट हुआ तो कई गो नंबर लाया, रिजल्ट नहीं देखल जाता है। And if we study about this figure with the help of number and algebraic equation, then this branch, is called coordinate geometry या इसका एक और नाम है analytical geometry। इसी का एक और नाम क्या है analytical geometry, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं या इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते। देखिए क्या लिखे समझिए, कहता है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग फिगर का अध्ययन करते, फिगर मतलब चित्र, वो ज्योमेट्री कहलाता है। वो क्या कहलाता है ज्योमेट्री। लेकिन अगर इसी फिगर का अध्ययन हम लोग संख्या और बीज गणितीय समीकरण के मदद से अगर करें उसी का नाम पड़ता है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको अगर कोई कहे ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या अंतर है, तो ज्योमेट्री में हम लोग जनरली क्या करते हैं फिगर ट्रायंगल का अध्ययन करते हैं, उसमें भी पॉइंट करते हैं, उसमें भी लाइन करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन वहां पर है दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का हम लोग अध्ययन नहीं करते, या ट्रायंगल के एरिया निकालने की बात हम लोग नहीं करते। तो कहने का मतलब वही लिखे हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फिगर इज कॉल्ड क्या ज्योमेट्री, मतलब गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग है ना चित्र का अध्ययन करते हैं वो ज्यामिति कहलाता है। लेकिन अगर इस चित्र का अध्ययन हम लोग अगर संख्या और बीज गणितीय समीकरण के मदद से करें तो वैसे ब्रांच का नाम क्या है कोऑर्डिनेट नियामक ज्यामिति है ना। हिंदी लिखना तो हिंदी भी आप लिख सकते हैं कि गणित की वैसी शाखा ब्रांच मतलब शाखा जिसके अंतर्गत चित्र का अध्ययन किया जाता है। चित्र मतलब यहाँ प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं, चित्र मतलब यहाँ पर कोई मतलब स्केच की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं, उसे क्या कहते हैं ज्यामिति कहते हैं। लेकिन अगर कॉल्ड ज्योमेट्री लेकिन अगर इस चित्र का अध्ययन संख्या और बीजगणितीय अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब संख्या और बीजगणितीय समीकरण के
मदद से करते हैं, मदद से करते हैं तो इस शाखा को, देन दिस ब्रांच, तो इस शाखा को, शाखा को क्या कहते हैं, नियामक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? नियामक ज्यामिति कहते हैं। इस शाखा को क्या कहते हैं? नियामक। जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर रहे थे इसीलिए हम इस चीजों को लिख दिए, और कोई बहुत लिखने का ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको डिफिनेशन पूछेगा। एनसीईआरटी बुक आप देखिएगा तो एक फिगर दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी बुक में देखिए ये दिया हुआ है, ये रेने डेकार्ते साहब है ना, इनको ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तरह से है ना जन्मदाता कहिए जो कहिए माना जाता है। मतलब कहने का मतलब कि ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज गिवेन बाय है ना रेने डेकार्ते, और ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। फ्रेंच मैथमेटिशियन कहने का मतलब फ्रांस के गणितज्ञ थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेकार्ते को जाता है। और 1637, थोड़ा सा हिस्ट्री आप इसका पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। वी आर फेमिलियर विथ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लास, हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री से फेमिलियर है, मतलब परिचित है पहले के क्लास में। मेनली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेबरा एंड क्या ज्योमेट्री, देखिए आ गया ना अलजेबरा, अलजेबरिक इक्वेशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेबरा एंड क्या ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो अलजेबरा और ज्योमेट्री का क्या है, कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है। इसीलिए ना मैं लिखा कि अगर इस फिगर के बारे में हम लोग संख्या और किससे अलजेबरिक इक्वेशन के मदद से अध्ययन करें तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय द यूज ऑफ ए अलजेबरा वाज फर्स्ट कैरिड आउट बाय द सेलिब्रेटेड फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, मतलब ये फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक भी थे और गणितज्ञ भी थे, है ना, रेने डेकार्ते। इन दिस बुक है ना लार्ज ज्योमेट्री पब्लिश्ड इन कितना 1637, मतलब अपने बुक में है ना लार्ज ज्योमेट्री करके एक बुक पब्लिश किए थे 1637 में, उसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या किया गया है ना पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था, वही लिखा। This book introduced the notation of the equation of a curve and related analytical method. इसलिए इसका नाम पड़ा analytical geometry. Analytical methods into the study of क्या geometry. देखिए सारा चीज दिया है ना। The resulting combination of analysis and geometry is referred now as analytical geometry. इसीलिए इसको analytical geometry भी कहते हैं। आपको तो ये कभी चीज होता नहीं है, हाँ ये चीजों को हम पढ़ें, अब क्या सर इंग्लिश में हमको समझ में नहीं आता, अरे तो हिंदी वाला बुक में ही पढ़ो, कम से कम कुछ तो इसका हिस्ट्री जानोगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैसे हुआ। ऐसा नहीं कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ना इन्वेंशन 1637 में हुआ, लेकिन सिस्टमैटिक स्टडी जो दिया गया, एक क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन जो दिया गया वो 1637 में है ना रेने डेकार्ते के द्वारा वो अपने बुक ले ज्योमेट्री में पब्लिश किए थे, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं, चलिए बाकी आपको पढ़ने का इतिहास। तो यहाँ पे नोट करके एक बात आप लिख सकते हैं, इसमें भी वही चीज दिया हुआ है ना, ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन क्या रेने डेकार्त, लिख दीजिए। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके, सिस्टमैटिक, ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ A study of coordinate geometry is given by French mathematician
मैथमेटिशियन रेने डेकार्ते, आर डेकार्ते या रेने डेकार्ते, ये नाम है। अब फ्रांसीसी लोग का नाम ऐसा ही होता होगा, इंडिया वाला थोड़ो जो राम मोहन श्याम होगा, है ना। रेने डेकार्ते, फ्रेंच मैथमेटिशियन क्या बाबू, रेने डेकार्ते, इन कितना 1637, ये ध्यान रखिएगा। मतलब नियामक ज्यामिति का क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन के बारे में दिया गया किसके द्वारा, फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेकार्ते, इसको क्या पढ़ते हैं रेने, हिंदी वाले बुक में देखिए लिखा होगा इन 1637 क्या बोला, इंग्लिश अच्छा, हिंदी वाले बुक में भी इंग्लिश में नाम लिखल है, नाम तो नाम होता है उसको तो वही पढ़िएगा, आपका नाम मोहन है तो हिंदियों में मोहन उसको लिखाएगा, इंग्लिश में भी मोहन नहीं लिखाएगा, दोनों कुछ और हो जाएगा है, इसीलिए रेने डेकार्ते लिखा, ठीक है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के खोजकर्ता कौन है, रेने डेकार्ते। चलिए अब सबसे पहला इसमें जो चैप्टर्स पढ़ने का है वो पॉइंट के बारे में, ज्योमेट्री भी हम लोग कहां से पढ़ते हैं, पॉइंट, अगर ज्योमेट्री 10th क्लास में पढ़े होंगे तो कहां से, पॉइंट से। बिंदु किसे कहते हैं, जिसमें ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो मोटाई, उसको बिंदु कहते हैं। तो ज्योमेट्री में तो पॉइंट वही हो जाता है, एक आध को लिख लेते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, दो बिंदु से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, सब बस पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। यहां पर पॉइंट का जो पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट। तो चलिए सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आपको होगा वो किसके बारे में पढ़ना है, पॉइंट के बारे में, पॉइंट कहने का मतलब बिंदु, इसी के बारे में सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत किस कौन आएगा, पॉइंट, उसके बाद आएगा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आएगा सर्किल, उसके बाद पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। चलिए पॉइंट में सबसे पहला आपको पढ़ने का है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, क्या बाबू, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट मतलब हिंदी में इसको कह सकते हैं बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, निर्देश, बिंदु का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। चलिए देखिए किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है उसको आपको समझना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको मालूम होनी चाहिए यहां पर दो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश ओ एक्स और ये वाई ओ वाई डैश, लिखेंगे भी ये चीज कि एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, म्यूचुअली मतलब होता है आपस, मतलब एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश आपस में दो लंबवत रेखा है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं ना, जानते हैं है ना। हम लोग यहां पर देखिए इसी का जो फिगर लिख रहे हैं उसी का डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, यहां पर हम लोग मानेंगे लेट यहां पर एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश है ना, लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश बी टू म्यूचुअली, म्यूचुअली म्यूचुअली मतलब होता है आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस विच आर नॉन, विच आर नॉन जो कि जाने जाते हैं, Which are non H, जो कि जाने जाते हैं क्या, X axis and क्या Y axis respectively, respectively मतलब क्रमशः, हिंदी में भी इसको लिख सकता कि माना कि X dash O X और Y O Y dash है ना
दो आपस में लंबवत रेखाएं हैं जिसे हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ऑब्वियसली ये हो गया मेरा क्या एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। इसको हम लोग यहां पे कह सकते हैं ये क्या है बाबू एक्स एक्सिस ये पूरा, ठीक है, और ये क्या है मेरा वाई एक्सिस। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए हम लोगों को किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। हम अब अच्छा प्लेन की बात करेगा तो ये एक्स वाई प्लेन होगा, है ना, इधर कहेगा एक्स डैश वाई प्लेन, इधर एक्स डैश वाई डैश प्लेन, वाई डैश एक्स प्लेन। ये दोनों रेखाएं जो है समतल को चार भाग में बांटती है। आगे चल के आप लोग इसको क्वाड्रेंट भी कहते होंगे, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और क्या फोर्थ। आप लोग टेंथ क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़े होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना दोनों पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई, तो इसमें जो भी पॉइंट लाई करेगा दोनों पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई, तो ये निगेटिव और क्या पॉजिटिव, ये दोनों है तो दोनों निगेटिव। ये तो बहुत सारा है, ये तो क्वेश्चन टेंथ के ऑब्जेक्टिव में बहुत देता था, कोई पॉइंट ऐसे दे दिया माइनस टू थ्री किस क्वाड्रेंट में, है ना, तो माइनस टू थ्री ये चूंकि एक्स ये निगेटिव है और ये वाई पॉजिटिव है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये सब चीजें बचपन की बातें थी, ठीक है, है? क्या बोला, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कुछ चीजें रिलेटेड होगी, अभी आप देखते जाइए। अब देखिए हमको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में जानना है। हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि कोई यहां पर पॉइंट है, ध्यान देंगे, यहां पे हम लोग मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या दिए पी। अब इस पॉइंट का सबसे पहले लोकेशन देखिए, कोऑर्डिनेट का मतलब एक तरह से लोकेशन ही है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ लोकेशन। आप जो ये लिखे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, हम लोग यहां पर इसको लिख सकते थे लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, बिंदु की स्थिति। अब बताइए मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि इस बिंदु का स्थिति क्या है, तो किसी भी चीजों का हम पोजीशन ज्ञात करेंगे किसी के रिफरेंस फ्रेम से लेकर, नहीं। अब मैं कहूं कि सर ये पॉइंट का जो है, इस पॉइंट का पोजीशन जो है वो वाई एक्सिस से, कहां से वाई एक्सिस से, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट का पोजीशन वाई एक्सिस से हम कहते हैं कि एक्स है, मतलब ये पॉइंट वाई एक्सिस से एक्स दूरी पर है और ये एक्स एक्सिस से वाई दूरी पर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और क्या है वाई। अभी तक आपको ये पता नहीं होगा कि किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या देता है, बस ये रट्टा मान लीजिए मैं कहूं कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट टू और थ्री है तो ऑब्वियसली ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या वाई कोऑर्डिनेट, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये आपको मालूम होनी चाहिए कि x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देता है जबकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस। अगर इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाना रहता था हमको तो हम लोग है ना y एक्सिस से दो यूनिट इधर जाते थे, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता तभी तो y एक्सिस से दो यूनिट इधर जाते और फिर x एक्सिस से तीन यूनिट ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस से है ना y एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, x परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से कितना y परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, x एक्सिस से कितना y परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x y, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहला इसमें आता है क्या बाबू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या बाबू कार्टेशियन, देखो लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब हम लोग कहते हैं कार्तीय निर्देशांक। एकदम एक एक चीजों को आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ा के नहीं कुछ चीजें। हम यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे है ना, इफ इसको आप नामकरण भी कर सकते हैं, ये पीएम मान लेते और ये क्या एन, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इफ द
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, एकदम ध्यान देना। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट पी, ऑफ एनी पॉइंट क्या पी फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस इज क्या एक्स, एंड एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस इज कितना वाई, देन तो अगर ऐसा है देन द कार्टिजन कोऑर्डिनेट, देन द कार्टिजन कोऑर्डिनेट, देन द कार्टिजन कोऑर्डिनेट मतलब कार्टियन निर्देशांक, देन द कार्टिजन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट कितना पी, देन द कार्टिजन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इज या बराबर वो क्या होगा एक्स और वाई। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य क्या कि अगर किसी पॉइंट पी का है ना वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर किसी पॉइंट पी का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो एक्स, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई, तो हम कहेंगे उस पॉइंट का कार्टिजन कोऑर्डिनेट, कार्टीय निर्देशांक एक्स वाई हो। मतलब दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का कार्टिजन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर। और इसी तरीका से हम पॉइंट को लोकेट भी करते हैं क्या, अब इसका एक और कोऑर्डिनेट होता है छापना। बाबू थोड़ा सा पहले रुक जाओ, कुछ बच्चे छापने में व्यस्त हैं हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, छापिएगा हम मौका देंगे। दूसरा इसका पोलर कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट समझिएगा। पोलर कोऑर्डिनेट कहने का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक, क्या बाबू ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब ध्रुवीय निर्देशांक है ना पोलर कोऑर्डिनेट। देखो ध्रुवीय निर्देशांक क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है। अब हम इस पॉइंट का लोकेशन की बात कर रहे थे, ये पॉइंट पी के लोकेशन की बात कर रहे थे। कोई बच्चा हमको कहेगा क्या कि सर हम इसको एक और तरीका से लोकेट कर सकते हैं, हम कहेंगे क्या कि सर ये पॉइंट ओरिजिन से, ओरिजिन से आर दूरी पर है, ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूरी पर है आर दूरी पर है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन से आर दूरी पर है, और इस पॉइंट और ओरिजिन को मिलाने वाली रेखा जो है वो एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रही, तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो एक कहेंगे आर और क्या थीटा, यही है पोलर कोऑर्डिनेट। याद कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़े थे, अगर वहां पर पोलर कोऑर्डिनेट हम पहले से जानते तो पोलर फॉर्म को पढ़ना और क्या होता आसान, लेकिन उस समय हम जानते नहीं, बात समझ गए। तो इस पॉइंट का एक और कोऑर्डिनेट हो सकता है, कहेगा सर ऐसा कीजिए आप सबसे पहले ये सोचो कि आप कहां पर हैं, ये जीरो जीरो मूल बिंदु पर है ना, आप यहां पे खड़ा है ये जीरो जीरो मूल बिंदु पर, ठीक है, आपको इस पॉइंट के पास जाना है। तो कोई कहेगा सर ऐसा कीजिए कि आप यहां से कितना दूरी जाइए एक्स दूरी जाइए, और फिर यहां से वाई दूरी जाइए, उस पॉइंट पे आप पहुंच जाइएगा, एक लोकेशन हुआ। कहेगा उठा क्या जा रहे हैं अन्य अन्य, ऐसा कीजिए यहां से 30 डिग्री पर इतना दूरी जाइएगा तो वो पॉइंट पे पहुंच जाइएगा। दोनों एक ही पॉइंट का लोकेशन है लेकिन अलग अलग तरीके से, इसी को बोलेंगे, इसको जो बोले एक्स और वाई से जो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे कार्टिजन कोऑर्डिनेट, और ये जो आर थीटा के रूप में गया वो पोलर कोऑर्डिनेट। बात समझ में आया, तो किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक कार्टिजन कोऑर्डिनेट और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट। तो कार्टिजन कोऑर्डिनेट तो आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, कार्टिजन कोऑर्डिनेट जो भी रहता है वो किस रूप में रहता है एक्स और वाई के रूप में। पोलर कोऑर्डिनेट में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या देखिए यहां पर भी लिखते हैं, इफ अगर इफ मान लेते हैं एंगल कितना एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी बराबर कितना थीटा, एक्स ओ पी बराबर कितना थीटा, एंड
ओपी का मॉडुलस बराबर कितना आर, ओपी का मॉडुलस कितना है आर, देन द कार्टिजन कोऑर्डिनेट अदि पोलर कोऑर्डिनेट, देन द पोलर कोऑर्डिनेट मतलब ध्रुवीय निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट किसका पी का, पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट जो होगा वो आर और क्या होगा थीटा, आर और थीटा। तो हम लोग किसी भी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट पर है, दो कोऑर्डिनेट, एक कार्टिजन कोऑर्डिनेट और दूसरा पोलर। कार्टिजन कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का क्या देता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देता है, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डायरेक्ट वो पॉइंट का शॉर्टेस्ट लाइन मतलब डिस्टेंस और कितना एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बना रहा है। तो दोनों कोऑर्डिनेट के बारे में आप अच्छे से समझे, चलिए पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद और आगे भी बात हम लोग करेंगे। चलिए थोड़ा सा और नीचे यहां तक ठीक है, यहां तक और नीचे करें, चलिए लिखिए।
ऊपर करें। चलिए देखिए, लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए नोट करके कुछ पॉइंट है उसको हमको समझना है। पहला पॉइंट देखिए कहता है, नोट का पहला पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन ओरिजिन विल बी क्या चीज, जीरो जीरो, मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं ना। हम देखिए कोऑर्डिनेट की बात बोले, दोनों कोऑर्डिनेट इसका जीरो होता है, कार्टिजन भी और पोलर भी, क्योंकि मूल बिंदु है तो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, ओपी का मान भी जीरो होगा, थीटा भी क्या होगा, जीरो। तो मूल बिंदु के निर्देशांक है ना, वो जीरो जीरो होंगे या होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट का, किसी भी पॉइंट के एक्स कार्टिजन कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, भुज, और बाई कोऑर्डिनेट को क्या, कोटी, भुज और कोटी परे होंगे, इंग्लिश में उसी को एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो लिखिए द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा, ऐसे लिखता है एब्सिसा, ABSCI, एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड क्या बाबू, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। हिंदी में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, लिखते जाइए सब नोट के पॉइंट, बेसिक जानकारी है। किसी भी बिंदु के एक्स निर्देशांक को, किसी भी बिंदु के एक्स निर्देशांक को, किसी भी बिंदु के एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, जबकि भुज कहते हैं, तथा किसी भी बिंदु के वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। क्लियर?
नोट का ये तीसरा पॉइंट, हालांकि ये तो हम डिफिनेशन में ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, द एक्स कोऑर्डिनेट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट गिव्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, गिव द परपेंडिकुलर, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट गिव्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से बोलो, फ्रॉम द वाई एक्सिस, इसी में पैराग्राफ करके लिए, व्हाइल, व्हाइल मतलब जबकि, व्हाइल द वाई कोऑर्डिनेट, व्हाइल द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट गिव्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये सब जो भी बात लिख रहे हैं एक एक चीजों को आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। कह रहा है क्या, किसी भी बिंदु का, किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक, किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से लंबवत दूरी को देता है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को देता है, दूरी को देता है, जबकि, वाइल मतलब जबकि, किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक, किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक, निर्देशांक एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को देता है, लंबवत दूरी को देता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देता है। हो गया। एक और आप बात नोटिस किए होंगे कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, होता है ना, और y अक्ष पर कोई पॉइंट होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ऐसा क्यों? देखिए, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y कोऑर्डिनेट इसलिए जीरो होता है क्योंकि y कोऑर्डिनेट होता क्या है, x अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर वो पॉइंट x एक्सिस पर हो जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, इसीलिए y कोऑर्डिनेट भी, बात समझे, इसीलिए x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर जीरो, कभी कभी ये भी पूछता है कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर जीरो, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। ठीक उसी प्रकार से y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर, तो लिखिए, द y कोऑर्डिनेट, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट एट द x एक्सिस, एट द एक्स एक्सिस विल बी क्या, जीरो, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट एट द एक्स एक्सिस विल बी क्या, जीरो, इसीलिए द इक्वेशन ऑफ द, इसीलिए द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस
x एक्सिस विल बी कितना, y बराबर जीरो। इसीलिए x एक्सिस का इक्वेशन अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा, y बराबर जीरो। हिंदी भी लिख देते हैं, हिंदी कहता है क्या कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y निर्देशांक, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण इक्वेशन मतलब समीकरण y बराबर जीरो होता है। इसीलिए x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर जीरो। इंग्लिश में ये क्लियर, ये सब बेसिक बात है, इन्हें के कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, ये सब छोटा छोटा बात भी पता नहीं है तो हो जाएगा गड़बड़। उसी प्रकार से लिखेंगे द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट एट द वाई एक्सिस, एट द वाई एक्सिस विल बी कितना, जीरो। इसीलिए कहेगा द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस विल बी मतलब होंगे क्या चीज, एक्स बराबर जीरो। इसीलिए वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स। ये सब याद रखना है, एकदम ध्यान में, भूलना नहीं है। हिंदी में अगर लिखना है तो लिखिएगा कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का, कोई भी बिंदु y अक्ष पर क्यों ना रहे, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता। इसीलिए y अक्ष का समीकरण x बराबर जीरो होता, y अक्ष का समीकरण x बराबर समझ में आ गई बात। चलिए अब हम लोग, ये तो नोट की पॉइंट थी, हम लोग दो चीजें पढ़ें कि किसी भी पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट। अब सवाल है कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होता है। अगर किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और पोलर कोऑर्डिनेट दिया है तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए फिर वही चीज आपको करना पड़ेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग पोलर फॉर्म करते थे, अरे थे उसी प्रकार का हो। चलिए यहां पे आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। मतलब अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के रूप में है तो उसको आर थीटा के रूप में कैसे बदलेंगे, और अगर आर थीटा के रूप में है तो एक्स वाई में कैसे बदले? रिलेशन बिटवीन क्या चीज है भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड
पोलर कोऑर्डिनेट। चलिए हम लोग यहां पर एक्सिस थोड़ा सा ले लेते हैं, कोई पॉइंट भी, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, वाई डैश हो गया, ये ऑरिजिन हो गया ना, कोई पॉइंट यहां पे दिखा देते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या पी, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और क्या है वाई, ये मान के चलते हैं। जब एक्स और वाई है, जब एक्स और क्या है वाई है, तो ये कितना होगा वाई और ये कितना एक्स, ये पूरा लाइन भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये भी पूरा लाइन दिखा सकते। ठीक ना, ये हो गया क्या एम और ये क्या हो गया एन और ये क्या मान लेते थीटा, ये आर, ये हो जाएगा कितना आर और थीटा, यही आपको रिलेशन बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट लेट एक्स बाई विदा कार्टिजन कोऑर्डिनेट, विदा कार्टिजन, विदा कार्टिजन कोऑर्डिनेट एंड आर थीटा, एंड आर थीटा विदा पोलर कोऑर्डिनेट, आर थीटा विदा पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी, ऑफ ए पॉइंट किसका पी का, मान लिया ऐसा कि एक्स वाई कार्टिजन कोऑर्डिनेट है और आर थीटा पोलर। जब एक्स वाई कार्टिजन कोऑर्डिनेट होगा तो यहां से यहां इसकी दूरी वाई, यहां से ये एक्स और ये आर और ये क्या थीटा। अब हम लोग चलते हैं नाउ, नाउ अब राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, नाउ पीएमओ में, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल पीएमओ में, पीएमओ दिखा आपको, पीएमओ में अगर कॉस थीटा लेते हैं तो मुझे लगता है एक्स बटे कितना होगा आर, तो इससे एक्स बराबर क्या निकलेगा, इससे एक्स बराबर क्या निकलेगा आर कॉस थीटा, एंड इसी में अगर साइन थीटा लेते तो क्या होगा वाई बटे आर, मतलब y बराबर क्या निकलेगा r sin θ। देख भाई एक एक निकल गया y बराबर r sin θ, दूसरा निकल गया x बराबर r cos θ, इसको इक्वेशन वन मान लो, इसको टू मान लो। अगर r और θ रहेगा तो x और y तो निकाल लेंगे, लेकिन r θ रहेगा तो x बराबर r cos θ, y बराबर r sin निकल जाए, लेकिन अगर x और y रहेगा तो r और थीटा कैसे निकालेंगे, फिर वही कहानी स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बोथ साइड नहीं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वन एंड क्या टू बी गेट, दोनों समीकरण को स्क्वायर करके जोड़िए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर। यहां से फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जिसका वैल्यू, मतलब यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वन, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि आर स्क्वायर बराबर एक रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, मतलब अगर एक्स और वाई दिया रहेगा तो आर तो निकाल लेंगे, अब निकालना क्या है थीटा, थीटा के लिए हम लोग फिर वही काम करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन टू बाई क्या करेंगे वन, टू बाई वन करेंगे, तो यहां पर अगर 2 बाई 1 करेंगे तो बी गेट हम लोग प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे 2 बाई 1 करेंगे y बटे कितना x बराबर r sin थीटा बटे r cos थीटा, ये हो जाएगा कितना r r कैंसिल, यहां पर r r कैंसिल,
ये कितना आ जाएगा टाइन थीटा, गप मत करो यहां ध्यान दो, ये टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा वाई बटे एक्स, जो भी वाई बटे एक्स आएगा उसका मॉडुलस ले लें और इतना बराबर मान लेंगे टाइन अल्फा। वाई बटे एक्स का मान क्या मानेंगे, बात समझ में आया, ये वाई बटे एक्स आ गया, यही टाइन थीटा बराबर क्या मान लेंगे टाइन अल्फा, वेयर जहां की लिख सकते हैं कि टाइन अल्फा बराबर क्या है वाई बटे एक्स का मॉड। अब यहां से फिर वही कहानी करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे, टाइन थीटा बराबर टाइन अल्फा हो गया, तो यहां से हम लोग करेंगे कि थीटा बराबर अल्फा होगा, लेकिन कब, व्हेन व्हेन द पॉइंट, व्हेन द पॉइंट लाइज इन क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसमें बाबू, थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं, दिख नहीं रहा, तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो जाएगा। यहां से तीन कंडीशंस, या यहां से कह सकते हैं पहला कि थीटा बराबर अल्फा होगा कब, व्हेन द पॉइंट, किसको, पॉइंट को देखेंगे, व्हेन द पॉइंट लाइज इन क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, वहां पर हम लोग लिखते थे कि जब जेड लाइज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर था यहां पर पॉइंट, फिर वही कहानी है ना, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होगा है ना, कब, जब व्हेन द पॉइंट, व्हेन द पॉइंट लाइज इन क्या सेकेंड क्वाड्रेंट, और अल्फा माइनस पाई या पाई प्लस अल्फा भी होता था, कब, जब व्हेन द पॉइंट लाइज इन क्या थर्ड क्वाड्रेंट, और एक होता था माइनस अल्फा या टू पाई माइनस अल्फा, कब, जब व्हेन है ना ये लाइज क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, अल्फा निकालने का यही तरीका, उसके इधर ये भी, उसके नीचे तुम लोग लिखना, हम यहां पर थोड़ा सा दर्शा देते, यहां पे हम लोग दर्शा देते, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश, ये मेरा फर्स्ट था, ये क्या था सेकेंड, फर्स्ट में क्या था दोनों पॉजिटिव, प्लस प्लस यही ना निशानी था, ये माइनस प्लस, ये थर्ड में माइनस और माइनस, और फोर्थ में क्या प्लस, और इसमें थीटा बराबर सीधे अल्फा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, इसमें थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई या पाई प्लस अल्फा, और इसमें थीटा बराबर माइनस अल्फा या टू पाई माइनस। अगर इतना आप जानते हैं तो किसी भी पॉइंट को कार्टिजन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में और पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टिजन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट, इसको लिखिए, हम जस्ट आपको अभी देते हैं कि आप कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, जल्दी सा फास्ट लिखिए।
ये जो रिलेशन आपको आया है इसको ध्यान रखिएगा, x बराबर कितना r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। लिख लिया और ऊपर करें, ये यही चीज लिखा हुआ है, बस आपको पेरेंट बना के लिख दिया। चलिए ऊपर करें, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स of the points whose मतलब जिसका whose cartesian coordinate दिया गया। क्या क्या भाई? पहला दिया है रूट थ्री और वन, ये cartesian coordinate में है। दूसरा या माइनस वन और वन। तीसरा माइनस रूट थ्री और वन। चौथा माइनस वन माइनस वन। चलो इतने निकालो, क्या निकलेगा?
लिख लिया है आ? क्या पहला बनेगा? हम लोग लेट अगर हम लोग मान लेते हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट एक्स वाई बराबर ये रूट थ्री और क्या है वन है, तो इसलिए बता एक्स का मान कितना हो गया रूट थ्री एंड वाई का मान कितना वन। अब ऐसे भी दे सकता है, तो सबसे पहले आर का मान निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर का रूट, तीन एक चार ये दो आ गया एंड टेन थीटा बराबर अभी क्या पड़े थे वाई बटे एक्स का क्या मॉड, मॉडलस नहीं लगाएंगे तो घपला हो जाएगा क्योंकि यहाँ रूट थ्री वन और माइनस रूट थ्री वन है, समझ गए ना, दोनों में एक नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई का मान कितना वन बटे रूट थ्री, वाई का मान वन एक्स का मान क्या आएगा वन बटे रूट थ्री, वन बटे रूट थ्री टेन कितना बराबर फाइव बाई सिक्स। अब यहां पे हम सोचेंगे ये टेन थीटा बराबर टेन अल्फा का फॉर्म आया, अब यहां से चार बात होगा, या तो थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई माइनस, वो निर्भर करेगा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट का एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। यहां पर कहेंगे सिंस द गिवन पॉइंट लाइज लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसीलिए यहां पे थीटा का मान अल्फा के बराबर, समझ में आया कुछ। अब आर थीटा निकल गया पोलर कोऑर्डिनेट निकलेगा, आर थीटा निकल गया तो पोलर कोऑर्डिनेट, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट बराबर सीधे जाएगा आर थीटा, आर का मान टू, थीटा का मान पाई बटे सिक्स। अब तुम सोचो यही क्वेश्चन बनाओगे तीसरा, एकदम सेम बेसिस पर है, सोच के देखो तीसरा का सॉल्यूशन तो क्या अंतर पड़ेगा। यहां पर लेट मान लेते हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है कितना माइनस रूट थ्री और कितना वन, तो यहां पर एक्स का मान कितना होगा माइनस रूट थ्री एंड वाई का मान, क्या आर के मान में कोई फर्क पड़ेगा, आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये सीधे जाएगा माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर का रूट, ये भी बाबू टू ही आएगा। एंड अगर यहां पर भी टेन थीटा करें तो ये वाई बटे एक्स का मॉड, ये वन बटे माइनस रूट थ्री का मॉड वन बाय रूट थ्री, ये सीधे जाएगा टेन कितना फाइव बाई सिक्स, टेन कितना जाएगा। अब अगर ये बात नहीं जानिएगा तो आप इसका भी मार दीजिएगा फाइव बाई सिक्स, तो गलत हो जाएगा ना, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब यहां पर कहेंगे सिंस द गिवेन पॉइंट इस क्वाड्रेंट में, गिवेन पॉइंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन किस में सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया करा, कैसे पता किए, क्योंकि एक्स का मान निगेटिव वाई का मान, तो थीटा बराबर क्या पाई माइनस अल्फा, अल्फा के बराबर पाई बाई सिक्स, तो फाइव पाई बाई सिक्स ना, इसका पोलर फॉर्म आएगा टू और फाइव पाई बाई सिक्स, जबकि इसका आया टू और फाइव बाई सिक्स, मात्र प्लस माइनस का अंतर, समझ में आ गया। इसलिए यहां पर पोलर फॉर्म जो होगा इसका, पोलर फॉर्म बराबर आर थीटा हो जाएगा टू और फाइव पाई बाई सिक्स, समझ में आया भाई, वही कहानी कुछ इसमें और इसमें भी होगा, नहीं होगा दूसरा तीसरा अपने मन से बनाओ, तो जल्दी बनाओ सब लोग। पोलर फॉर्म में ही बदलने में गड़बड़ी थोड़ा बहुत होगा, कार्टिजन फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होता है।
क्या बन गया दूसरा तीसरा? छापिए रहा अभी रे, हो गया। इसका कितना आया? आर का मान रूट टू आया होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है वाई माइनस अल्फा, उसका थर्ड क्वाड्रेंट में है जी, तो या तो अल्फा माइनस पाई, तो अल्फा माइनस पाई करोगे माइनस थ्री पाई बाई फोर होगा, या पाई प्लस अल्फा करोगे तो फाइव पाई बाई फोर होगा। सही है, बना लिया सब लोग? तो चलो कार्टिजन वाला घर से बना के लाना, एको लिख लो, ए ना करो, लिखो चुपचाप। अरे फाइंड द कार्टिजन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स हुज मतलब हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स, अभी पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया, हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, पहला फाइव और पाई बाई फोर, दूसरा माइनस फाइव और पाई बाई थ्री, तीसरा माइनस फाइव माइनस पाई बाई फोर, चौथा टू और पाई बाई थ्री। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास इतना ही है।